हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिलीट का। पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने फॉर्म के थ्रू डेटा को सबमिट करके हमने सेव करा लिए थे माई एस क्यूएल डेटाबेस के टेबल में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी डेटा को हम यहाँ पे कॉल करेंगे डेटा टेबल में, और उसी को वन बाई वन हम डिलीट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म के नीचे मैं एक यहाँ पे डेटा टेबल बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं। डिव क्लास कॉल एसएम, मैंने एक 12 और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसी के अंदर मैंने एक टेबल को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्जिन टॉप से 5 ले लिया। तो आइए देखते हैं हम हमारी टेबल कैसे दिख रही है। यहाँ पे हम आते हैं यूआई पे, ये देखिए सीरियल नंबर हो गया, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर एड्रेस और एक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डेटा को, ये जो हमारे टेबल में है, इसको हम एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा कोड है जो हमने सेव कराए थे पिछले वीडियो में, तो उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस डेटा को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूज इफेक्ट का, हुक्स का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन लिया, यहाँ पे एक मैंने एरो फंक्शन लिया, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने एक कांस्टेंट लिया, गेट यूजर डेटा इक्वल टू एक, फिर मैंने असाइन फंक्शन का यूज़ किया, और इसको यहाँ पे, अब जब आपने यहाँ पे ये फंक्शन है एक तरीके से, अब इसको मैंने यहाँ से इसको रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैंने कांस्टेंट लिया और उसका नाम दिया गेट यूजर नहीं, इसको मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट यूजर इक्वल टू, हमने असिंक का यूज़ किया तो हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, फैच। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एपीआई का यूआरएल पास करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट और यहाँ पे हमें रिस्पांस क्या मिला, रिस्पांस यूजर इज इक्वल टू, ये जो हमने कांस्टेंट बनाए हैं इसको मैंने कॉल किया, क्या है, आर ई क्यू रिक्वेस्ट यूजर डॉट जेएसएन को मैंने कॉल किया। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए मैंने एक कांस्टेंट लिया, देखिए यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिया, यहाँ पे हमारा है रिक्वेस्ट यूजर और यहाँ रिस्पांस यूजर, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे जेएसएन में कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम स्टेट लेंगे, वो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कांस्टेंट यहाँ पे यूजर डेटा, और यहाँ पे इसको मैंने सेट किया यूजर डेटा, और यहाँ पे यूज स्टेट, यहाँ पे एक मैंने एरे पास किया, ठीक है। ये हमारा गेट यूजर डेटा वहाँ से लाएगा जो हमने सेव करा के रखे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये जो यूजर से डेटा है यहाँ पे, इसको मैंने कॉल किया। अब इसमें जो है, ये जो हमारा यहाँ पे हमें जो रिस्पांस मिला है, ये हमारे स्टेट को जाके यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। इस यूजर डेटा में हमें डेटा सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि असिंक का यूज़ किया, तो यहाँ पे भी अवेट का,
ठीक है, ये हमें यहाँ से, अभी हमें क्या करना है, एक एपीआई बनाना है और उसका यूआरएल यहाँ पे पास करना होगा। तो आइए देखते हैं हम एपीआई कैसे हम डेटा को कॉल करेंगे वहाँ से। तो चलते हैं, ये देखो यूजर है हमारा। अब यूजर पे हम यहाँ पे डेटा कॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम एपीआई में कैसे कॉल करेंगे और जेएसएन में रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक पब्लिक फंक्शन गेट यूजर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर डेटा, इसको मैंने एक एरे लिया, एरे में मैंने क्या किया, गेट यूजर। ठीक है, यहाँ पे एक मॉडल कॉल करेंगे। मॉडल से हमारा यहाँ पे डेटा क्वेरी यहाँ पे लिखी होगी डॉलर दिस, और हमारा मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, यूजर मॉडल। ठीक है, यूजर मॉडल, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा गेट यूजर। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इको जेसन, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जेसन को यहाँ पे इनकोड करेंगे। ठीक है, इनकोड, ठीक है, ये जो हमारा डेटा है जो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो तो हम डेटा यहाँ पास कर देंगे। अब हम चलते हैं मॉडल पे, यूजर मॉडल पे एक हम गेट यूजर का एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, पब्लिक फंक्शन गेट यूजर। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, डॉलर दिस, ये होता है डीबी, एक सीआई का पार्ट है, कोऑर्डिनेटर का पार्ट है, जिसको पीएसपी आती होगी। आप चाहे अपने, आप कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारा हो गया यहाँ डेटाबेस, डीबी हो गया, और यहाँ पे पहले होगा सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार। ठीक है, ऐसे हम दूसरा कॉल करेंगे, डॉलर दिस डीबी फ्रॉम, टेबल का नाम कौन से टेबल से, तो हमारा टेबल क्या है, टेबल यूजर है। ठीक है, ये हमें डेटा हमें यहाँ पे इस टेबल से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉलर इक्वल टू डॉलर तीस गेट। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। ये देखिए, रिटर्न क्वेरी क्या होता है, रिजल्ट। ये हमें डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मॉडल पे मैंने क्वेरी लिख दिया। अब इस यूजर टेबल में फ्रॉम टेबल यूजर, इस यूजर का डेटा जो है कि हमें वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करके देखेंगे। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने कॉल किया, यहाँ पे देखिए डेवऑप्स डेवलपर स्लैश, यहाँ पे हमारा क्या है, यूजर, पहले हमारा क्या है, यूजर स्लैश गेट यूजर, ये हमने फंक्शन बनाया गेट यूजर। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो ये रिकॉर्ड है, ये चार रिकॉर्ड है, ये देखिए यहाँ पे हमें एपीआई के हमें जो कि जेएसएन में मिल गया। ये एरे एन ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे एरे है, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है। तो एरे एन ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा यहाँ पे रिटर्न हमें मिल चुका है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्वेरी लिखा, इसको मैंने मॉडल पे पास किया, और मॉडल में सेलेक्ट टेबल का नाम और उसे डेटा को रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराते ही हमें यहाँ डेटा मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब यही यूआरएल को हम यहाँ पास करेंगे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यूआरएल को पास कर दिया, ये डेटा हमें यहाँ मिल चुका होगा। तो आइए देख लेते हैं डेटा में हमें क्या मिला। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। तो आइए देखते हैं यूआई में, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और चलते हैं इसके कंसोल पे।
क्लास, कहने का मतलब है यहाँ पे हमने जो कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम होना चाहिए, इसलिए जो है कि कंसोल में एरर आ रहा है, तो मैंने उसको सही कर दिया। देखो एरर चला गया। ये देखिए यहाँ पे चार रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे सबसे पहले, तो आइए देखते हैं। ये हमें रिकॉर्ड मिल गया, अब हमारा डेटा इसमें स्टेट में चेंज हो चुका होगा, तो हम इस स्टेट को यहाँ पे मैप फंक्शन से कॉल करेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा टी आर है, ठीक है। तो इसी में हम डेटा को कॉल करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टी आर को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर्ली ऑन किया और टी आर के नीचे ही क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर डेटा डॉट मैप यहाँ पे, और इसको नीचे जाके हम टी आर के नीचे यहाँ पे बंद करेंगे। अब इसी के अंदर एक एरो फंक्शन, ठीक है, और इसको जो मैंने एक आके फिर नीचे जो कि बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, गेट यूजर, गेट यूजर टीवीएल कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया इंडेक्स। अब ये देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टी आर है, यहाँ पे मैंने लिया की इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया इंडेक्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, अभी वन को रहने दीजिए, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर टेबल, यूजर टीबीएल डॉट यूजर अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे मैंने कर ली बंद किया। देख लेते हैं हमें एपीआई में हमें डेटा कैसे मिला था। देखिए यहाँ पे है यूजर नेम, तो इस यूजर नेम को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, यूजर नेम। तो ये देखिए चलते हैं यूआई पे, देखिए कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने यूजर मैप में डेटा को कॉल किया, यहाँ पे इंडेक्स और की में इंडेक्स को पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे टीडी में देखिए, यहाँ पे मैंने यूजर नेम ले लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे टीडी में क्या करेंगे, इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और उसको हम नाम जो है चेंज कर देंगे। यूजर नेम है पहले में, तो दूसरे में है यूजर ईमेल, और यहाँ पे है यूजर एड्रेस, यूजर एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे है वन, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे अभी आपने यूआई पे देख पा रहे होंगे, हमारा सीरियल नंबर 111 स्टैटिक आ रहा है, इसको हमें डायनेमिक करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमें कैसे इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे कर्ली ऑन हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स +1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4, ये हमारी आईडी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, तो ये हमारा एक तरह से डायनेमिक हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर एड्रेस, और यहाँ पे एक्शन, एक्शन में देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्शन है यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एंकर टैग भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बटन देंगे, बटन से हम जो कि इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा बटन क्लास बीटीएन, बीटीएन डेंजर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे बंद किया, और मैंने इसको दिया डिलीट, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूआई पे, ये देखिए यहाँ डिलीट का बटन यहाँ लग चुका है, तो इसी के हम एक्शन पे हम डिलीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पे डायनेमिक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्शन डिलीट के यहाँ डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे, और इस रिकॉर्ड को एक एक करके डिलीट करके चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे ऑन क्लिक यूज करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन लिया, हैंडल डिलीट, ठीक है। अब इस जो ये यहाँ पे हमें एक क्या करना है, यहाँ पे एक डायनेमिक आईडी भेजनी होगी, कौन सी, ये देखिए
यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम नहीं, हमें यूजर आईडी चाहिए, कौन सी, जो जो टेबल में है और ऑटो इंक्रीमेंटेड है। आइए देखते हैं, हमें ये आईडी चाहिए, यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हैंडल इज नॉट डिफाइंड, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया डायनामिकली, जो आएगी 1 2 3 4 जो भी आएगी जिस यूजर की होगी। तो अब हम इसे कॉल देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे एक मैंने कॉन्स्टेंट लिया, इसको मैंने फंक्शन को कॉल किया, इसको मैंने क्या किया, असिंक फंक्शन का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने एरो लिया। ठीक है, इसमें मैंने एक पैरामीटर लिया क्या, जो यूजर की आईडी वहाँ से आ रही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूजर आईडी हमें मिली कि नहीं वहाँ क्लिक करने पे। यहाँ पे इसे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी पास कर दिया। तो आइए देखते हैं, कंसोल में चेक कर लेते हैं एक बार, इसको मैंने रिफ्रेश किया, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चार रिकॉर्ड आ रहा है, चार। ठीक है, वही ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हम जैसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आईडी नंबर 31 मिल गया, और इसका आईडी नंबर 32 है, लास्ट वाले का 34 है। ये देखिए हमारी आईडी 31, 32, 33, 34, तो हमें यहाँ पे आईडी मिल गई। अब इस आईडी के बिहाफ पे हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, तो आइए देखते हैं, ये हमें आईडी यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट डिलीट। ठीक है, रिक्वेस्ट डिलीट का एक मैंने कॉन्स्टेंट लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अवेट फैच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर कैसे पास करेंगे, इसके लिए मुझे फिर एक एपीआई जो कि बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं यूजर पे। अब यूजर पे क्या होगा कि हमें आईडी एक हमें मिल रही होगी, तो हमें ऐसा एक पैरामीटर बनाना होगा। तो देखिए, पब्लिक फंक्शन यूजर डिलीट। डिलीट में यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक डायनामिक आईडी भेजनी होगी, तो मैंने ले लिया डॉलर आईडी, मैंने यहाँ पे आईडी की जगह यूजर आईडी कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैंने वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर डॉलर दिस एरो मॉडल नेम, मॉडल नेम यूजर, हम मॉडल पे यहाँ पे डेटा पास करेंगे मॉडल, और यहाँ पे एरो लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट करना है, तो डिलीट यूजर, डिलीट यूजर में क्या किया मैंने, ये जो डायनेमिक आईडी आएगी यहाँ पे मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको भेज दिया। अब हम चलते हैं मॉडल पे, इस फंक्शन को कॉल करो यहाँ पे। अब हम एक यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, ये हमारा डेटाबेस से डिलीट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन सॉरी पब्लिक फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन नेम। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया, यहाँ पे कर्ली बंद किया, और यहाँ पे सॉरी डॉलर यूजर आईडी, जो वहाँ से हमें पैरामीटर पास किया है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर दिस एरो डीबी, डीबी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगल यूजर है, एक एक आईडी करके आएगी। तो मैंने वेयर, वेयर में क्या किया मैंने, यूजर आईडी, और यहाँ कामा दिया, और ये जो डायनेमिक आईडी आ रही है यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या किया मैंने, डॉलर दिस एरो डीबी एरो, यहाँ पे डिलीट कहाँ से, टेबल का नाम।
ठीक है, टेबल यूजर से, और कहाँ से, भैया जहाँ पे उसकी आईडी मैच करेगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये देखिए डिलीट यूजर, ये हमारा मॉडल से यहाँ से यूजर मिलेगा, यूजर आईडी यहाँ पे कॉल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ जेएसएन में रिटर्न डेटा भेजना होगा डिलीट हुआ या नहीं। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इफ ये बंद हुआ यहाँ, और एल्स में अगर नहीं डिलीट हुआ तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉलर रिजल्ट, डॉलर रिजल्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया रिस्पॉन्स नेम का, और इसको मैंने एरे लिया, एरे में मैंने क्या किया एमएसजी, और यहाँ पे एक एरो लिया, यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज में यूजर, यूजर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ को, ये जो मैंने वेरिएबल लिया इसे मैंने क्या किया, इको जेसन, जेसन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इस वेरिएबल को यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। इसी को कॉपी करके हम एल्स में डाल देंगे और मैसेज का टाइटल जो है कि यहाँ पे चेंज कर देंगे। मैसेज में कहते हैं यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इनवैलिड यूजर आईडी, ठीक है। क्या कर देंगे, जो आपने आईडी भेजी है वो इनवैलिड है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स कर देगा डिलीट करने के बाद। अब ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ यूआरएल पे पास करूँ और स्लैश उसकी आईडी पास करूँ तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, चलते हैं यूआरएल में, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब ये देखिए हमारा क्या है, हमारा यूजर है स्लैश, और ये फंक्शन कौन सा है, यूजर डिलीट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूजर डिलीट का, मैं एक तरीके से एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूजर डिलीट स्लैश, यहाँ पे मैंने कौन सी आईडी हमारे पास, देखिए टेबल में यहाँ पे 31 30, लास्ट वाली 34 को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 34 पास कर दूंगा तो अगर डेटा डिलीट हो गया तो हमारा एपीआई काम कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कोई एरर मिला है, तो देखते हैं यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो ये देखिए मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये हमें डिलीट यहाँ पे हो जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे यूजर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो ये कहने का मतलब है ये मैंने यहाँ से यूआरएल में हिट किया तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है कि डिलीट हो चुका है। तो आइए रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए 34 वाली आईडी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है हमारी, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड बचे, कहने मतलब ये एपीआई हमारी काम कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एपीआई को हम यहाँ कॉल करेंगे फैच के अंदर, यहाँ पे देखिए बैकटिक का यूज करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर हम यूआरएल पास कर देंगे। अभी देखिए ये जो 34 है इसको हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हमें डायनेमिक पास करना होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, डॉलर कर्ली ऑन, और इसके अंदर ये जो हमें आईडी मिली है यूजर आईडी, यहाँ हमने पास कर दिया, ठीक है। ये आईडी मैंने पास कर दिया, पास करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने कांस्टेंट लिया रिस्पॉन्स डिलीट इक्वल टू, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पास किया और डॉट जेएसएन, ठीक है। ये हमें जेएसएन में मिल जाएगा, तो ये जेएसएन में डेटा हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैसेज है, ठीक है, ये जो हमारे मैसेज हमने डिफाइन किया हुआ है, स्टेट लिया हुआ है, अब हम उसमें क्या करेंगे, ये देखिए उसे हम मैंने यहाँ पे कॉल किया, जो यहाँ पे हमें डेटा यहाँ पे रिस्पांस में रिटर्न में मिला होगा वो हमें यहाँ पे फिर मैसेज में हमारा सेट हो जाएगा, स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, ये देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो
दोस्तों मैं यहाँ पे एक डेटा इंटर करता हूँ, टेस्टिंग थ्री, टेस्टिंग थ्री एट द रेट याहू डॉट कॉम, एड्रेस है इंडिया। ठीक है, इसको मैंने सबमिट किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पे डेटा सीरियल नंबर 4 आ चुका है। एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यूजर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ कंसोल पे भी मैसेज आ गया और ये हमारा यहाँ पे भी मैसेज आ गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ये हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये हमारा डेटा यहाँ से चला गया। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाऊंगा, चेक बॉक्स पे मल्टी सेलेक्ट को डिलीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपडेट देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।